साथियों, जब 2014 में हम सरकार में आए थे तो देश की इकोनॉमी करीब करीब $2 ट्रिलियन के आसपास थी। बीते 5 वर्षों में हमने इसमें लगभग $1 ट्रिलियन जोड़ दिया और अब हम कमर कसकर $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, करेज भी है और कंडीशंस भी हमारे साथ है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी के 4 अहम फैक्टर हैं जो एक साथ दुनिया में मिलने वाली शायद ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन है। ये 4 फैक्टर हैं, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड एंड डिसिसिवनेस। अगर मैं पहले फैक्टर की बात करूं तो भारत में ऐसा मौका, ऐसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कई दशकों के बाद आई है। जब डेमोक्रेसी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल हो, ज्यूडिशरी इंडिपेंडेंट हो, तो इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, सिक्योरिटी और ग्रोथ का भरोसा अपने आप मिलता है। फ्रेंड्स, इस ग्रोथ को बल मिलता है भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड से, यंग और एनर्जेटिक टैलेंट पूल से। भारत आज दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एजुकेशन बेस और सबसे मजबूत R&D फैसिलिटीज वाले देशों में से एक है। इनोवेशन को लेकर जो एनकरेजमेंट भारत के युवाओं को मिल रहा है, उसके कारण अमेरिका और चीन के बाद भारत यूनिकॉर्न्स के मामले में थर्ड नंबर पे हैं। फ्रेंड्स, तीसरा डिमांड का फैक्टर है। जैसे जैसे भारत की बड़ी आबादी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, पिछले कुछ वर्षों से एयर पैसेंजर्स ट्रैफिक की ग्रोथ डबल डिजिट में है, जिसके चलते आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड के साथ ही आज जो बात भारत को विशेष बनाती है वो है डिसिसिवनेस। एक डायवर्स और फेडरल डेमोक्रेसी होने के बावजूद बीते 5 वर्ष में पूरे भारत के लिए सिमलेस, इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट व्यवस्थाएं तैयार करने पर बल दिया गया है। जहां पहले भारत में टैक्स का जाल था, वहीं अब GST के रूप में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स रिजिम पूरे देश के बिजनेस कल्चर का हिस्सा बन चुकी है। IPR एवं ट्रेडमार्क की रिजिम को मजबूत बनाने के लिए ही हमने काफी काम किया है। इसी तरह इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से निपटने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बनाया, टैक्स से जुड़े कानूनों और इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर टैक्स को ग्लोबल टैक्स रिजिम के बराबर लाने के लिए हम जरूरी सुधार निरंतर करते रहेंगे। टैक्स रिफॉर्म्स के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन में भारत में बहुत कम समय में हुआ है। करीब 370 मिलियन लोगों को 370 मिलियन लोगों को बीते 4-5 साल में
बैंकिंग से पहली बार जोड़ा गया है। आज भारत के करीब करीब हर नागरिक के पास यूनिक आईडी है, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट है, जिसके कारण टारगेटेड सर्विस डिलीवरी में तेजी आई, लीकेज बंद हुई और ट्रांसपेरेंसी कई गुना बढ़ी है।